जय जय श्री राम के नारों के बीच ये कोई धार्मिक आयोजन नहीं हो रहा और लोगों की भीड़ भी किसी धार्मिक जलसे में शामिल होने नहीं आई। ये भीड़ और जय श्री राम के नारों से गूंजता ये स्थल गवाह बना एक शादी का। शादियां तो हर रोज होती हैं, लेकिन अलीगढ़ के पाली मुकीमपुर थाना क्षेत्र के गांव बिजौली के मंदिर में ये शादी हो रही दो धर्मों के प्रेमियों के बीच। इससे ये शादी के लोगों के बीच कौतूहल का विषय बन गया। लड़का हिंदू धर्म से है और लड़की मुसलमान है। दोनों एक दूसरे से सालों से मोहब्बत कर रहे थे और यही कारण था कि सामाजिक दुश्वारियों को पीछे छोड़ दोनों एक दूसरे का साथ निभाने के लिए एक दूसरे के हो गए। लड़के अमित का कहना है कि वो इस शादी से खुश है और उसने कभी भी अपनी प्रेमिका निशा पर ना तो धर्म परिवर्तन का दबाव डाला न किसी दूसरे प्रकार का कोई दबाव। आपका क्या नाम है भैया? अमित। कहाँ के निवासी हैं आप? आपका धर्म क्या है? धर्म क्या है आपका? हिंदू। अभी आपने जैसे कि हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, वो आपने अपने स्वभाव से अपने धर्म के अनुसार जो पारंपरिक परंपरा है उसके अनुसार की है ना? जैसे कि हमने सुना है जिससे आपने शादी की है वो मुसलमान है, दूसरे धर्म से बिलोंग करती हैं, इन पर आपने कोई दबाव तो नहीं बनाया है? आपने नहीं ना आपने। वही लड़की निशा ने भी माना कि उस पर मुसलमान से हिंदू बनने के लिए किसी ने किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला। वो इस शादी से खुश है और अपने पति के साथ ही रहना चाहती है। आप इस शादी से खुश हैं? नाम पूछो उनका। आपका नाम क्या है? निशा। आप इस शादी से खुश हैं ना? आपका जो धर्म परिवर्तन किया गया, आप उससे कोई भी कैसा भी शिकायत या शिकवे के लिए नहीं है? ठीक है, कुछ धन्यवाद। इस शादी के दौरान सबसे कमाल की बात ये रही कि मंदिर के अंदर पंडित जी शादी जब करा रहे थे तब किसी को नहीं पता था कि कौन क्या है, लेकिन जैसे ही लोगों को पता लगा कि शादी एक मुस्लिम और हिंदू के बीच हो रही है तब लोगों का मजमा इस शादी को देखने के लिए लग गया। वहां पहुंचे लोगों ने वर वधू को आशीर्वाद दिए। वही मौके पर पहुंचे बजरंग दल के सदस्यों ने भी इस शादी पर खुशी जताई। मेरा नाम शुभम सिंगल है, पूर्व जिला संयोजक बजरंग दल गोरक्षा प्रकोष्ठ अतरौली जिला। ये जो शादी हुई है ये हिंदू रीति रिवाज के साथ लड़की और लड़के की सहमति से हुई है। इस शादी को शिव मंदिर बिजौली पे किया गया है। इसमें सभी हिंदूवादी छवि के लोग मौजूद थे और इनकी शादी से सबको खुशी है। कुछ साल पहले अमित गुप्ता और जिला कासगंज निवासी निशा खान की फोन के जरिए दोस्ती हो गई। दोनों अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते थे, लेकिन दोनों के प्यार के बीच उनका धर्म आड़े नहीं आ पाया। निशा जब बाली हुई और अपने परिजनों से उसकी शादी अमित से करने की बात कही, दूसरे धर्म का लड़का होने पर परिजनों ने इनकार कर दिया और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद निशा अमित के गांव बिजौली नगला आ गई और यहां शिव मंदिर में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली, जहां से अमित ने 7 फेरे पूरे होने के बाद अपनी प्रेमिका को पत्नी बनाकर अपने घर ले गया, जहां शादी के बाद दुल्हन के घर आने की रस्म अदायगी की गई। लेकिन प्रेमी प्रेमिका की ये शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही। अलीगढ़ से अर्जुन वार्ष्णेय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।